पापा ज्यादा हिल क्यों रहे हो, आराम से बैठे रहो। एक तो पता नहीं आपने भोजन आज कितना किया है, वजन भी आपकी तरफ ज्यादा है, इधर मम्मी की तरफ तो वजन कम है। अरे अनिल भाई, जैकी भाई, थोड़ा सा सहारा देना, अभी तो हरिद्वार पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा, काफी दूरी तय करना है। लेकिन मैंने भी ठान रखा है कि मैं अपनी मम्मी पापा को कंधे पर उठाकर कांवड़ यात्रा कराऊंगा। मेरे बेटे जो ये काम कर रहा है, ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं। चल, तूने फिल्मों में तो कोई खास मुकाम हासिल किया नहीं, यही काम करके तूने मेरा दिल खुश कर दिया। फिल्मों में तो तू बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रहा, अब इस उम्र में मैं और तुम्हारी मम्मी जया कहां पर कांवड़ यात्रा पर जा पाते। तुम हमें पालकी में बैठाकर अपने कंधे पर कांवड़ यात्रा करा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे बेटे अभिषेक। और हाँ, अभी जो तुम कह रहे थे कि वजन ज्यादा है आज मुझमें, अरे अभी अपना लोग रास्ते में भंडारे के पास रुके थे, वहां पर 200-300 पूरी मैंने ज्यादा खा ली, इसीलिए वजन ज्यादा है। अरे पापा, 200-300 तो ऐसे कह रहे हो जैसे 2-3 पूरी बताते हो मुझे। अरे आपको कंधे पर मैं उठाई हुई हूँ, इधर यात्रा के दौरान इतना ज्यादा भोजन क्यों कर रहे हो? देखो, एक तरफ आपकी तरफ वजन ज्यादा है, पालकी एक तरफ झुक रही है जबकि मम्मी की तरफ उठ रही है। मम्मी ने कम भोजन किया है और उनके अंदर वजन भी कम है। मेरे बेटे, आराम से चल, आराम से चल, हल्के हल्के चल। कहीं पर रास्ते में अगर भंडारा होता मिले तो रुकना मत, नहीं तो ये तेरे पापा फिर से ज्यादा खाना खा लेंगे। सब लोग एक बार जोर से बोल दो, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे जैकी भाई, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? सब लोग तो बोल रहे हैं, आपके मुंह में किसी ने क्या ताला लगा दिया? वैसे अभिषेक, एक बात कहूं, मेरा दिल खुश हो गया जब तुम अमित जी और जया जी को कांवड़ यात्रा पर लेकर निकले, तो मैंने जैकी भाई से कहा अपना लोग भी अभिषेक के साथ चलेंगे और उसकी थोड़ी सहायता कराते चलेंगे, क्योंकि अकेले इतना वजन उठाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। बम बम भोले। अभिषेक, जो तुम काम कर रहे हो ऐसे बॉलीवुड में बहुत कम लोग करते हैं। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया अमित जी और जया जी को अपने कंधे पर उठाकर कांवड़ यात्रा कराकर। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।